लोग सोच रहे हो कि बच्ची से मिलने जा रहा है। ओ यार हमारी किस्मत कहाँ पे, केक से जड़ा तो कटिया के कोई नहीं तरा ले, समझ रहे हो? मेरा नहीं जड़ा केक क्यों दी गल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से। तो आइए आज एक अपना नया व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आज बहुत बिजी डे होने वाला है, तो मैंने कहा आज जो है वो व्लॉग बना लिया जाए। तो सबसे पहले हम लोग जो है एक मीटअप पर जाने वाले हैं। आप लोग सोच रहे होंगे बच्ची से मिलने जा रहा है, यार हमारी किस्मत कहाँ पे। हम लोग जो है फूड मीटअप पे जाने वाले हैं और आज मेरे साथ जो है ये बशिंदा मौजूद है जो फूड ब्लॉगिंग में मेरे साथ होता है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं और आप लोगों को चल के जो है वो वहाँ पर क्या कारनामे हमारे होंगे और क्या हम लोग जो वो टेस्ट करने वाले हैं वो हम लोग आपको वहीं पर बताएंगे। लेकिन ये बात बता दें हम लोग अंदरूनी शहर जब वो जाने वाले हैं। शहर अंदरून में हम लोग जब वो आ चुके हैं और यहाँ पर जो है वो शाह चिकन तवा पीस अपोजिट टू अल मशहूर आरफ चटखरा के है और अब हम लोग जब वो अंदर चलते हैं। तो ये वैसे ही है ठीक है। तो इस वक्त हम लोग जो है वो खाने की वीडियोस जो है वो बना रहे हैं और खाना जो है यहाँ पर जो बन रहा है और अंदरून के खाने आपको पता ही है बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। तो अब आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ पर जो है वो खाना किस तरह का बन रहा है, उसके बाद हम लोग जो है वो खाना टेस्ट भी करेंगे और आप लोगों को जो है वो ऑनेस्ट रिव्यूज भी इसके जो है वो बताएंगे। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम जो है वो स्टार्ट होने वाला है हमारे जो है वो यहाँ पर फूड से रिलेटेड हम लोगों ने रिव्यूज देने हैं जो कि सारों के जो है वो देते हुए जो है वो जान जाती है स्पेशली कमर की। और कबीर तो बड़ी कॉन्फिडेंट पर्सन और इसके लिए जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है। और एक बात है कि यहाँ पर हम लोग अच्छा लगे या बुरा लगे हम लोग को रिव्यू किस तरह के देने पड़ते हैं, हमें तो तारीफ करनी पड़ती है। और लोगों को लगता है कि फूड ब्लॉगिंग बहुत ईजी है, सो व्हाट्स योर रिव्यू? बहुत मुश्किल। लोगों को लगता है कि आप लोगों ने बहुत बार गेन किए और स्टार्ट हो गए, ये नहीं पता आपने आप लोगों ने किस तरह फोटोग्राफी करनी है, आप लोगों ने सारे कॉन्टेंट बनाने हैं, रील्स की कवर करनी है और सेक्टर सारी चीजें जो आप लोगों ने कवर करनी है। बस देखा ना, ये फूड ब्लॉग्स जो करते हैं ना उनको ब्लॉग्स करते हुए जो है ना उनके पास आइडियाज क्रिएटिविटी वो कम होती है। रोस्ट है ये, करो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों ने तो सुना ही होगा जिन्हें लाहौर नहीं देखा जमे और अंदरून के खानों के चर्चे तो आप लोगों ने काफी ज्यादा सुने ही होंगे और स्पाइसी खाने लाहौरियों को तो वैसे ही बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने तवा पीस जो लगाया है, आप लोगों को जो है ये टेस्ट करके बताते हैं कि इसका जायका जो है हमें किस तरह का लगा। बहुत मजेदार है, स्पाइसी लवर्स यहाँ पर जरूर आए और यूनिकॉर्न की तरफ से आप लोगों को 10% डिस्काउंट है, तो इस ऑफर का जो आप लोग जरूर अवेल करें। शुक्रिया। ये तो बहुत स्पाइसी है, जो भी स्पाइसी लवर्स के लिए ये बहुत अच्छा है यार। सारी बात, आप स्पाइसी खाओगे, स्पाइसी कुछ खाना है तो आप यहाँ पे लाजमी आए। तो आज मैं खिलाया था यूनिकॉर्न वन यार, यूनिकॉर्न का खाना अगर चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के। सो फाइनली अंदरून के जो है वो खाने खाने के बाद हम लोग जो है वो वापस घर की तरफ जो है वो रवाना होने वाले हैं और अब जो है वो
मुझे एक और जगह पर जाना है क्योंकि सिस्टर की जो है वो एनिवर्सरी है निकाह की, और भाई की जो एंगेजमेंट की जो एनिवर्सरी है, और जनाब सारों की एनिवर्सरी जा रही है और हम लोग यहाँ पे सर्दी में जो है वो खवार होने लगे हुए हैं। तो आइए अब हम लोग जो है वो घर चलते हैं, और घर चल के जो है वो हम लोग जो है वो फंक्शन को जो है ना वो हम लोग जो है वो एंजॉय करते हैं। सो फाइनली मीटअप से जो है वो वापस मैं जो है वो आ चुका हूँ, और ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया कि सिस्टर की जो है वो निकाह एनिवर्सरी है, तो चौंचले ही नहीं इन लोगों के जो है वो खत्म होते, समझ रहे हो। तो इस वजह से हम लोग जो है यहाँ पर आए हैं, और इसको जो है वो सेलिब्रेट भी करना हम लोगों ने या नहीं करना। बुके भी आया है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये किस तरह जो है वो इजहार मोहब्बत जो वो किया जा रहा है, और ये जो है इसका भी जो है वो बुके आया है, और बुके नहीं होता बोलते हैं बुक हो गया, बुक हो गया है, मतलब बुक हो गया है, और तू बुक हो गया है। चलो यार ये भी बुक हो गया, वो भी बुक हो गई है, और अपने बारे की क्या, मैं अभी बुक हो जाऊंगा लेकिन अभी बहुत ज्यादा वक्त मेरा जो है वो बाकी है, और मैं खुश हूँ और इधर से बोलो मैं खुश हूँ, और बाकी अच्छा केक सी जड़ा वो कटिया के कोई नहीं तेरा ले, समझ रहे हो। मेरा नहीं जड़ा केक की गल, अच्छा यार मैं भी वही बात कर रहा हूँ, देखो कितना नोटी है ये, और बाकी यहाँ पर भी जो वो पीछे आप लोगों को नजर आ रहा होगा वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, और घर जाके जो है वो इसका भी जो है वो बुके जो आया है वो भी आप लोगों को जो है वो दिखाएंगे। और खैर अभी हम लोग कहाँ पे जाने वाले हैं ये तो डिसाइड ही नहीं किया, क्योंकि मैं तो बाहर गया हुआ था और मैं तो वैसे ही खा पी के आया हूँ, इन्होंने जो है वो डिसाइड करना है कि आज हम लोग जो कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ पे जाना है। मेरे ख्याल से तो हमें लगता है कि करीब तरीन जो वो जाना चाहिए, फाइनली हम लोग जब रेस्टोरेंट में जो है वो आ चुके हुए हैं, और या निकलने से पहले जो है वो मुझे हमेशा जो है यही कहते हैं कि जनाब आप जो है वो रेस्टोरेंट का जो है वो इंतखाब करो, मुझे इस तरह कहा जाता है जिस तरह मैं जो है वो रेस्टोरेंट का ओनर हूँ। और उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड ये किया कि हम लोग जो है वो ली मिलोर रेस्टोरेंट है वहाँ पर हम लोग जो है वो आए हैं, और यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो सेलिब्रेट किया है, और अब हम लोग जो है वो खाने का जो हम लोग जो है वो एंशियसली वेटिंग, और खैर अब हम लोग जो है ये केक कटिंग सेरेमनी जो अब होने लगी है उसको अब हम लोग जो है वो एंजॉय करते हैं। तो आफ्टर एन इवेंट वी आर फाइनली बैक एट होम, और मेरे साथ जो है वो धोखा हो गया है, भाई ने जाते हुए मुझे कहा था कि जनाब बाइक तुम चला लो और आते हुए बाइक जो है मैं चला लूंगा, और जब वापसी का टाइम हुआ है तो जनाब मिंट मार्केटा पी के जो है वो ठंडे होते रहे हैं, और खुद जो है वो गाड़ी में सवार हो गया, और मैं जो है वो कामता जो है वो अब घर आया हूँ।
और खैर अब हम लोग जो है वो बात करते हैं रेस्टोरेंट के फूड की। तो वो ये इस तरह के एज यू नो डैट के आई एम ब्लॉगर एज वेल एज आई एम ए फूड ब्लॉगर। बाकी ये है कि वहां पर हम लोगों ने जो है वो एक रेफरेंस यूज किया, सो डैट्स वे आई हैव 50% डिस्काउंट देयर। और उसके साथ साथ ये है कि आपको पता है कि ब्लॉगर्स जो है वो मोस्टली जो है आपको पता है जो रिव्यूज दे रहे होते हैं वो तो हर चीज की जो है वो तारीफ कर रहे होते हैं इंक्लूडिंग मी बिकॉज इट्स आवर प्रोफेशनल। और हमें जो चीज जो हम लोग टेस्ट करते हैं और हम लोग उसकी तारीफ करते हैं मजेदार। लेकिन क्योंकि आज हम लोगों ने पे किया है और ऑनेस्टली रिव्यू मैं दूंगा कि टेस्ट उनका बहुत अच्छा था, एमबीएस भी उनकी जो वो कमाल की थी। तो मुझे तो वाकई में बहुत ज्यादा मजा आया यहाँ वहां पर। तो अब हम अपने व्लॉग को यहाँ पर करते हैं एंड आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। मुझे जीजिए ज्यादा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद रम रखा।